किसी भी ग्रुप में तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपस में लड़ते हैं, दूसरे वो जिनको कोई भाव नहीं देता, और तीसरे वो जिनका नाम सुनकर ही बाकी सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी आप 15,000 लेकर स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो आपको शाओमी और रियलमी के इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जितने लोग आईपीएल देखने जाते हैं, बहुत। बट अभी इस रेस में सैमसंग भी हिस्सा ले रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि ये लोग 15,000 के बजट में कुछ ज्यादा ही फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। दूसरे ब्रांड्स का धंधा बंद करवाओगे क्या? वैसे तो ये फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था, बट अब भी इसको बहुत सारे लोग लेने के लिए बेकरार है। मतलब कुछ खास बात तो होगी इसमें, है। इस दुनिया में बाकी सारे ब्रांड्स ताकत के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बट सैमसंग ऐसा नहीं करता इस फोन को छोड़कर, क्योंकि इसमें आपको मिड रेंज फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसकी वजह से डे टू डे परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, बट सबसे मजेदार बात यह है कि दूसरे सैमसंग फोन्स की तरह पबजी खेलने के बाद इसको फ्रिज में रखना नहीं पड़ता। हाँ, अंतुतु स्कोर तो एक्सिनोस वाले से कम आता है, बट मैं रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भरोसा करता हूँ। और डे टू डे यूसेज में आपको ये वाला फोन इसकी प्राइस रेंज की बाकी सारे सैमसंग फोन से स्मूथ फील होगा, लिख के दे रहा हूँ। अब इस फोन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, बट क्या एक फोन में सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है? नहीं। किसी भी फोन को ऑन करते ही सबसे पहले डिस्प्ले पे ही नजर जाती है, और सैमसंग अपनी डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, बट सिर्फ महंगे फोन्स के लिए। क्योंकि अगर आप 15-20 हजार वाले सैमसंग फोन में अच्छे डिस्प्ले ढूंढ रहे हो तो ढूंढना बंद करो, नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे ही आपका बजट 20-25 हजार के ऊपर जाता है तो वहां पे फिर सैमसंग की डिस्प्ले का ही जलवा है, लेकिन बजट रेंज में जलवा छोड़ो, सैमसंग ने हलवा भी नहीं दिया है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में सैमसंग को एमोल्ड डिस्प्ले देनी चाहिए, वैसे देनी तो चाहिए क्योंकि दूसरे ब्रांड्स दे रहे हैं, बट फिर भी अगर आप पैसे बचाने के लिए एलसीडी डिस्प्ले दे रहे हो तो कम से कम अच्छा वाला तो दो। वही घिसा पिटा TFT, PLS, LOL, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार होती है, बट अगर सेम क्वालिटी आपको 8,000 के फोन में देखने को मिल जाए तो दिल से बुरा लगता है भाई। बट अच्छी बात यह है कि 6.6 इंचेस का होने की वजह से इसकी स्क्रीन साइज तो बड़ी है ही, लेकिन साथ में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिसकी वजह से आप इसमें 120 fps वाली वीडियोस को भी देख पाओगे सिर्फ एक ही एंगल से, क्योंकि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे आपकी आंखों के सामने मेरा फ्यूचर नजर आएगा, अंधेरा। मतलब अगर डिस्प्ले के लिए इस फोन को ले रहे हो तो पहले जाकर नींबू चाटो, नशे की हालत में फोन नहीं खरीदते। बट ऐसा नहीं है कि नशा सिर्फ एक ही तरीके का होता है। इस दुनिया में सबको किसी ना किसी चीज की आदत लग ही जाती है, स्मार्टफोन्स का भी सेम ही सीन है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन बहुत लंबे टाइम से यूज करते हुए आ रहे हो तो आपको उसकी हर एक सेटिंग, हर एक फीचर, हर एक ऑप्शन के बारे में पता हो जाता है, एंड जिसकी वजह से आप दोबारा उसी ब्रांड का फोन परचेस करना पसंद करते हो। इसीलिए तो नोकिया के फोन आज तक बिकते हैं, और सैमसंग ने भी अपने कस्टमर्स के दिल में यही वाला भरोसा दिला रखा है। एक जमाना था जब लोग कहते थे भाई ये सैमसंग का फोन कितना हैंग करता है, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने वन यूआई को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया जितना मैं नहीं कर पाया अपने चैनल को। हाँ, इन्होंने भी चुपके से अच्छे एप्स के साथ ब्लोटवेयर भी इंस्टॉल करके दे दिए हैं, बट इस मौज को मौज करवाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस फोन में एक खास बात है जो इस प्राइस रेंज के किसी भी सैमसंग फोन में नहीं मिलता, वन यूआई का फुल वर्जन। अगर आपको पता नहीं तो वन यूआई के दो वर्जन होते हैं, एक उनका कोर वर्जन जो वो सस्ते फोन में देते हैं, और एक फुल वर्जन जो इन्होंने इस सस्ते फोन में डाल दिया है, जिसकी वजह से इसमें आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में मिलते हैं। और लिस्ट बहुत लंबी है मेरे भाई, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग पे, नॉक सिक्योरिटी, बिग्सबी रूटीन्स, इजी मोड, एज पैनल, गेम लॉन्चर, गुड लॉक, लिंक टू विंडोज, सैमसंग हेल्थ, और भी बहुत कुछ। और इन सब के साथ 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग ने प्रॉमिस किया है और वो अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता, Xiaomi थोड़ी ना है। अब कुछ भी कहो बट हम सब अपने फोन में एक चीज सबसे ज्यादा बेस्ट चाहते हैं, पता तो हो गई। चाहे किसी का बर्थडे हो या किसी की बर्बादी, फोटोज हम हमेशा लेते हैं, और यही रीजन है कि इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद 1.8 एपर्चर। 15,000 में OIS मांग रहे हो क्या? नहीं मिलेगा। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, जिसका इस्तेमाल आप कभी नहीं करोगे शायद, बट सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल आप खूब करने वाले हो जो कि 8 मेगापिक्सल का है। फोटोज की बात करूं तो प्राइमरी सेंसर से फोटोज अच्छी आती है, और इस रेंज के सभी फोन्स को इजीली टक्कर दे सकती है। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक रेंज, सब में सैमसंग ने सालों मेहनत की है, इसलिए तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इवन अल्ट्रा वाइड की फोटोज में भी कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की मात्रा एकदम बराबर है। हाँ, इनमें प्राइमरी सेंसर जितनी डिटेल्स तो नहीं होती, बट जितनी भी होती है आपके लिए काफी है। रही बात मैक्रोस की, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी बेकार है, एक बार इन फोटोज को देख लेना, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। और अगर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो तो सेल्फी लेना स्टार्ट कर दो। हाँ, 8 मेगापिक्सल होने की वजह से इसमें उतनी डिटेल्स तो नहीं मिलेगी, बट जितने भी मिलेगी उससे आप निराश नहीं होगे। लेकिन एक जगह इस फोन ने बाकी सारे ब्रांड्स की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मुझे एक भी ऐसा 5G फोन नहीं मिला जिसके अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको मिला हो तो कमेंट्स में बताना जरा। हाँ, अल्ट्रा वाइड से आप सिर्फ 1080p वीडियोस ही शूट कर सकते हो, बट इस फोन में अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, यही बड़ी बात है। दूसरे ब्रांड्स तो डेप्थ सेंसर का चूना लगा
जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह कि आप इसके कैमरा से निराश नहीं होंगे। अब कैमरा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर बैटरी अच्छी ना निकली तो कैमरा भी ज्यादा देर साथ नहीं देगा। सबको पता है कि सैमसंग के फोन्स की बैटरी ज्यादा देर नहीं चलती, बट इसके साथ उल्टा है। पहले तो इसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी हुई है विद 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, बट चार्जर कहाँ है सैमसंग, डब्बे में तो नहीं है। हाँ, आप चाहो तो इनकी वेबसाइट से इजीली खरीद सकते हो, बस इनकी वेबसाइट आपके वॉलेट से कनेक्टेड होनी चाहिए। मेरे पास तो पहले से ही सैमसंग का 25 वोल्ट वाला चार्जर है, जो कि आराम से इसको एक घंटे में फुल चार्ज कर देता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे रख लो। रही बात बैटरी बैकअप की, तो नॉर्मल यूसेज में ये दोनों आंखें बंद करके 2 दिन का बैकअप दे देगा, बट मान लो आप मेरी तरह हैवी यूजर हो जो दिन भर फोन में ही घुसा रहता है, तब भी ये 1 दिन का बैकअप दे देगा। बस गेमिंग मत करना, मतलब बैटरी के लिए इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, जिंदगी भर खुश रहोगे। अब इस फोन में कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी और कुछ आपके मतलब की भी नहीं है, तो क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए, आइए बताता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसके प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। मैथ्स के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा मैं, बट अगर आपको अपने फोन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप हमेशा ही अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फोन लेना, कभी नहीं पछताओगे। अब इस फोन को लेने के 3 ही रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप चार्जर के लिए अलग से पैसे देना नहीं चाहते, बट अगर आपके पास भी मेरी तरह पहले से ही चार्जर है तो टेंशन किस बात की, उठा लो। दूसरा ये कि आपको अपने फोन में बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, तब तो इस वीडियो को अभी ही बंद कर दो, आपके काम की नहीं है। और तीसरा ये कि आपको सैमसंग का फोन लेना ही नहीं है, क्योंकि पापा बोलते हैं सैमसंग का फोन हैंग करता है। तो अपने पापा को समझाओ कि आजकल के सैमसंग फोन जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है बहुत रेयरली हैंग करता है, और अगर तब भी ना माने तो उनको मेरा चैनल दिखा देना और बोलना हर एक अंडररेटेड चीज खराब नहीं होती। समझ में आया क्या? अगर अभी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, समझाता हूँ। और अगर पर्सनली समझना है तो इंस्टा पे आ जाना, फीस नहीं लेता मैं। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, 1 लाख लोगों ने तो देख भी लिया है, नहीं तो राइट वाली वीडियो बहुत यूनिक है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला विस्ता।